नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं 3N न्यूज नेटवर्क। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर से। बनेश्वर धाम पर पहुंचे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया। डूंगरपुर जिले प्रसिद्ध त्रिवेणी संगम बनेश्वर धाम पर आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के समर्थन में विशाल जनजाति यात्रा प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में बांसवाड़ा के त्रिपुरा सुंदरी मंदिर से वागर के त्रिवेणी संगम बनेश्वर धाम तक तकरीबन 45 किलोमीटर की यात्रा पैदल ही तय की। वही प्रदेश अध्यक्ष के स्वागत में जगह जगह लोगों ने स्वागत द्वार बनाकर फूलों के द्वारा उनका अभिनंदन किया। तो वही बनेश्वर धाम पहुँचने पर डूंगरपुर जिले के प्रतिनिधि मंडल ने प्रदेश अध्यक्ष का देसी वाद्य यंत्रों के साथ नृत्य करते हुए स्वागत किया। तो वहीं प्रदेश अध्यक्ष ने मंदिर वाल्मीकि मंदिर राधा कृष्ण मंदिर के दर्शन पश्चात सभा को संबोधित किया। वहीं एनडीए के शीर्ष नेतृत्व को धन्यवाद दिया कि एक जनजाति वर्ग से व महिला वर्ग राष्ट्रपति पद पर सुशोभित किया है, जिस हेतु यह एक विशाल बॉर्डर गौरव यात्रा निकाली गई है, जिसे हमारे जनजाति क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के प्रति एक विश्वास पर। तो वही एसटी मोर्चा के जिला अध्यक्ष ने बीटीपी के दोनों विधायकों पर जमकर बरसे और बताया कि समाज के नाम पर जीतने वाले समाज की बेटी को वोट नहीं करते, सिर्फ समाज के बरगलाने का काम करते हैं। तो वही प्रदेश के महामंत्री सुशील कटारा ने भी बीजेपी के विधायकों पर जमकर बरसे। तो वही साथ में आसापुर विधायक गोपी चंद्र मीना अपने परंपरागत छवि को बरकरार रखते हुए महाराज का भजन घर के दर्शकों का मन मोह लिया। इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष प्रभु पांड्या, घाटोल विधायक हरेंद्र घड़ी, विधायक कैलाश, उदयपुर ग्रामीण विधायक सलेमपुर विधायक, जिला प्रमुख सूर्या आहारी, सभापति अमृत कलासुआ, इलिया कोट प्रधान जयप्रकाश पारगी, ईश्वर लाल सरपोटा, जय शर्मा। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसे ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए 3N न्यूज नेटवर्क। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट व शेयर करें, और ऐसी ही खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे YouTube चैनल 3N न्यूज नेटवर्क को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें।